सेहत को सेहतमंद रखने के लिए खाए गुलर की सब्जी। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि गुलर का सब्जी कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आपको बाजार से गुलर खरीद लेना है, उसको अच्छे तरीके से धो लेना है, उसके उपरांत 5 से 10 मिनट बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद ये मुलायम हो जाएगा और इसको किस तरह से इसको हाफ हाफ कर देना है दो साइड से, और इसके अंदर के जो ये बीज होते हैं इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको इस तरह से साफ कर लेना है। इसकी सब्जी सेहत की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक है, खून की वृद्धि करता है, विटामिन बी इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है, साथ ही साथ गठिया, कमर दर्द और मांसपेशियों में तनाव जो रहते हैं उनको काफ़ी हद तक दूर करने में ये सहायक है। अब इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। ये लगभग 300 ग्राम गुल्लर है। अब हम लोग प्याज काट लेंगे, 2 पीस का हटा देंगे। मसाले में आप लोग उपयोग करिएगा 2 इलायची, 1 लौंग, 4 लहसुन की कली, 5 से 7 खड़ा गोल की दो छोटे चम्मच जीरा। मिक्सर में पीस लीजिएगा इसको। कढ़ाई गर्म है, अब इसमें तेल डालेंगे हम लोग। देखिए सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा, प्याज डालेंगे, 1 हरी मिर्च खड़ा। अगर आप शौकीन हैं लाल मिर्च खाने का तो वो डालिए, हरा मिर्च सेहत के दृष्टि से लाभदायक है तो इसी का उपयोग करें। हल्का ब्राउनिश जब प्याज हो जाए इसके बाद अब हम लोग गुलर डालेंगे। देखिए फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से अब हम लोग को भूनना है। नमक डालेंगे स्वादानुसार, लगभग 1 से 1.5 स्पून, इतना काफ़ी है। 300 ग्राम 250 ग्राम गुलर की सब्जी में इतना नमक काफ़ी है, इसको अच्छे से भूनिए। 1 चम्मच हल्दी इसी में मिक्स कर लेंगे पाउडर। एवरेस्ट का सब्जी मसाला भी 1 चम्मच डालेंगे के धीरे धीरे ये भुना जा चुका है। अब इसको हम लोग मसाला डालकर भूनेंगे। देखिए मसाला डाला जा चुका है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल मिक्स हो चुका है। टमाटर डालेंगे छोटे छोटे पीस में, इसको जितना ज़्यादा छोटा हो सके उतना छोटा काटिए, अब इतना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये बिल्कुल भुना जा चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रेशर कुकर में इसको डालेंगे। प्रेशर कुकर में डालने से पहले थोड़ा सा प्रेशर कुकर में सरसों ऑयल डाल दीजिएगा। अब पानी डालेंगे, 2 कप पानी, उससे ज़्यादा मत डाल दीजिएगा नहीं तो सब्जी। अब इसको हम लोग लॉक कर देंगे 5 मिनट के लिए। 1 से 2 सीटी लगने के उपरांत यह सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स बनकर बिल्कुल तैयार है टेस्टी एंड हेल्दी गुलर का सब्जी। देखिए कितना खूबसूरत और स्वादिष्ट, बहुत ही। इसको आप चावल, दाल और गुलर की सब्जी साथ में खूबसूरत करेले का भुजिया सर्व कर सकते हैं आप अपने आए हुए घर पे मेहमान को, या फिर आपके जो भी घर में हैं उनको। काफ़ी अच्छा है। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको गुलर का सब्जी, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे सब्जी का वीडियो आप तक ला सकूं। जय हिंद।